बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ा सा जो हमारा करंट इशू इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो एक पूरा इशू चल रहा है सैलाब का, उसके ऊपर बात करनी है थोड़ी सी। सबसे पहली बात उसमें हम आज की वीडियो में बेसिकली हम दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। नंबर वन, हमारे जो आई कैप के पेपर हो रहे हैं उसके बारे में क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। नंबर टू के ऊपर जो एक इस वक्त स्कैम चल रहा है मार्केट के अंदर, ये एक इशू फेस करना पड़ रहा है उसके ऊपर। तो सबसे पहली बात कि जनाब स्टूडेंट्स काफ़ी इस चीज़ के बारे में कंसर्न हैं कि आई कैप को पेपर पोस्टपोन करने चाहिए या आगे पीछे कर देने चाहिए। इसके ऊपर बेटा देखें, सीधी सी बात है कि आई कैप के अंदर कोई बच्चे नहीं बैठे हुए, बहुत ही सीनियर लोग बैठे हैं और वो पूरे पाकिस्तान से बैठे हुए हैं और उनको सब चीज़ों का अंदाज़ा है। इस वक्त ऑलमोस्ट 60% पाकिस्तान जो है वो पानी के नीचे डूब चुका है और बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। तो हमें इस चीज़ की एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए आई कैप से कि बहरहाल वो स्टूडेंट के फेवर में कोई ना कोई डिसीजन करेगा पेपर पोस्टपोन करने। देखिए बेटा, बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है, सिंपल ये नहीं है कि हालात को देखा जाए, बल्कि इसके अंदर आपने ये भी देखना होता है कि कई स्टूडेंट्स का, ये एक प्रोफेशनल स्टडी है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्वालिफाइंग अटैम्प्ट में बैठे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो तैयारी में बैठे होते हैं। तो बाज़ूकात महीना मिल जाना कुछ लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है, कुछ के लिए नुकसान भी होता है, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर आई कैप को एक पॉजिटिव सेटअप स्टेप लेना चाहिए, एक बोल्ड स्टेप लेना चाहिए और उसको कम अज़ कम जो स्टूडेंट्स इस टाइम फंसे हुए हैं उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन जो है वो देना चाहिए, सही कि वो रिफंड की फॉर्म में हो, सही कि वो आगे चल के उसको कैरी फॉरवर्ड फी की फॉर्म में हो, कैंसिलेशन की फॉर्म में हो, कोई भी तरीका कार जो है वो आई कैप ले सकता है। और बहरहाल उसने बहुत सारे ऑप्शन अंडरटेकिंग की सूरत में भी अपने लिए ओपन रखे हुए, तो वो एक अच्छा फैसला लेंगे इंशाल्लाह। सेकंड नंबर पर जो बात करनी है वो है जो इस टाइम स्कैम चल रहा है एंड वो है डोनेशंस का, कि बहुत ज़्यादा भरमार हो गई है और हर बंदा मैसेज भेज रहा है जनाब जी डोनेशन। लिटरली पिछले कोई तकरीबन 10 दिन के अंदर मैं खुद 50 को इस तरह के वो डोनेशंस वाले मैसेज देख चुका हूँ, मुख्तलिफ लोग हैं जो डोनेशन इकट्ठी कर रहे हैं एंड मैं खुद साउथ पंजाब से हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं, मैं अपनी आंखों से देख के आया हूँ और यकीन करें कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। जब यहाँ सोशल मीडिया पर बैठे होते हैं, क्योंकि हमारे पास नेट फैसिलिटी है तो मैं लाहौर में बैठा हूँ और यहाँ पे मैं चीज़ें नोट कर रहा हूँ, तो सैकड़ों हज़ारों लोग जो हैं यहाँ पे डोनेशंस इकट्ठी कर रहे हैं, जबकि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे जाके अगर आप देखें तो कोई भी नहीं है। चंद एक बड़ी बड़ी NGOs जिसमें बहुत सारी आपको पता है अलखिदमत वाले हैं इस तरह के हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं, बाकी कुछ फोटो सेशन चल रहे हैं और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। देखो बेटा, एक चीज़ ध्यान में रखो कि सबसे बेहतर सदका तो अपने हाथ से दिया हुआ होता है, तो जो हकदार है उसको हक पहुंचना सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो पहली आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इन केस के अगर आप उन इलाकों के कहीं से करीब के हैं तो आप खुद जाके देखें, आप जो भी दे सकते हो। आपको यकीन करें, इस टाइम आप सोच रहे होंगे शायद मुझे एक चादर देनी चाहिए, शर्म आ रही है यार ये मैं क्या दे रहा हूँ, आप ज़रा उन लोगों से जाके पूछो जो उस वक्त वहाँ पर खुले आसमान के नीचे बैठे हैं। आप मतलब आप सिंपल एक चारा लेके जा सकते हैं ना कहीं से बेचारों की बकरियों के लिए, वहाँ पर पानी है, इंसान तो फिर भी कुछ ना कुछ करके खा रहा है, कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेता है, हम तो मल्टीपल तरीके से अपनी फूड का बंदोबस्त कर सकते हैं, जानवर बेचारों की हालत उससे बुरी है। आप चारा तक पहुंचा सकते हैं, वो पहुंचाएं, आप इनकेस के 10 रुपये डोनेट कर सकते हैं, वो एक बच्चे का बिस्किट तो आता है ना एक टाइम का, तो आप वो भी डोनेट करें। लेकिन डोनेट यूँ नहीं करना कि आप किसी को मैसेज के जरिए भेज दें या आपने किसी को भेज दिया और कहा कि जी मेरा फ़र्ज़ पूरा हो गया, नहीं बेटा, ये भी आपका फ़र्ज़ है कि आप हकदार पहुंचाएं। देखो, नेकी का मदद तब है जब उसमें मुशक्कत इन्वॉल्व हो, तो इतना सा तरद्दुद आपको लाजमी करना चाहिए कि कम अज़ कम आप खुद नहीं जा रहे तो फिर कम अज़ कम थोड़ी सी रिसर्च कर लें कि कौन सा जेन्युइन बंदा है। अगर आप जेन्युइन भी नहीं ढूंढ पा रहे, आपको टेंशन हो रही है, तो भाई बड़ी बड़ी जो रजिस्टर्ड NGOs हैं आप कम से कम उनको दें, फिर कम से कम वो काम तो कर रही है ना, वो कहीं ना कहीं पे लगा तो रही है ना, बहरहाल जो मर्जी हो। तो लिहाजा इस तरह नहीं करना कि किसी को भी भेज रहे हैं जनाब वो हमारा हकदार तक हक पहुँच रहा है और आखिरत के दिन हम अल्लाह ताला के सामने खड़े हो जी हमने तो भेज दिया था, हमारी तो नीयत साफ थी, आगे जिम्मेदारी आपकी है। नहीं बेटा, आपका तरद्दुद ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी डोनेशन भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, अल्लाह के नज़दीक तो नीयतें पहुँचती है, आपकी एफर्ट पहुँचती है। तो सिंपल आपने इस नीयत से दिया कि जनाब मैं अपनी जान छुड़ा लूं, तो इसका कोई मेरे ख्याल में आपको अजर नहीं मिलेगा। आप कोशिश करें, आप खुद जाएं वहां पर, ज़रा सा तरद्दुद करें, एफर्ट करें, क्योंकि आप जब खुद जाके वो मामला देखेंगे वहां पे क्या चल रहा है, बच्चों के क्या हालात हैं बेचारे, अब बयान नहीं हो सकते ना, जो सिचुएशंस हैं, जो आंखों देखा हाल है वो बताया नहीं जा सकता कि छोटे छोटे बच्चे, तो वहां पे बंदा जाके जब ये देखता है ना कि आप यहां से बैठ के 10 रुपये भेजेंगे ना, वहां पे जब आप क्या कहेंगे यार मैंने क्या किया, मतलब जब आप खुद जाके दे रहे होंगे तो आपके बस नहीं चाह रहे होगा कि आप क्या कुछ उनको दे दें जो वहाँ पे आप कर रहे होते। तो पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, आप जाके हालात देख के फिर उनको दें, नहीं जा सकते आप फिर तरद्दुद करें, आप उन लोगों को दो जो जेन्युइनली काम कर रहे हैं और आपको पता चल सकता है। आजकल बहुत मीन्स है रिसर्च के, आप फेसबुक से पता कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप से पता कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि कोई भी आपसे कह रहा है जनाब मुझे डोनेशन दो और मैं वो कर रहा हूँ, तो हम बहसियत कौम जो है वो बहुत हद तक गिर चुके हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे हमारे गुनाहों से, दरगुजर फरमाए, तो किसी का कोई एतबार नहीं है कि वो क्या कर रहा है। मटीरियलिज्म का दौर है और ये सैलाब तूफ़ान ऐसे नहीं आते,
हमारी कमी कुताहियाँ भी इसके अंदर शामिल होती हैं। ठीक है बेटा जी, तो आज की वीडियो में इतना इंशाल्लाह, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, इस आफत से निजात दे। अल्लाह हाफिज़।